मेरे प्यारे विद्यार्थियों और उन सभी लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी तरफ से नमस्कार। आज टाइम स्पीड डिस्टेंस की 15th क्लास है और टाइम स्पीड डिस्टेंस के इस 15th क्लास में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो टू टाइप्स के क्वेश्चन। और वो टू टाइप्स के क्वेश्चन देखें तो ये क्वेश्चन है कि एक शिकारी कुत्ता है, किसी खरगोश को दौड़ा रहा है, उनके बीच में कुछ डिस्टेंस है। तो शिकारी कुत्ता खरगोश को जब ओवरटेक करेगा, कह सकते हैं, या पकड़ेगा शिकारी कुत्ता खरगोश को, उस समय तक वो कुत्ता कितना जंप करेगा जब उसने देखा था खरगोश को और दौड़ाना स्टार्ट किया था, तब से तब तक जब वो खरगोश को पकड़ा। तो इस पर क्वेश्चन बेस है। तो उस क्वेश्चन में आप पहले ही देख लीजिए, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है किस तरीके के क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। यहां पर उसी तरीके के क्वेश्चन की बात कर रहा हूं जो लास्ट क्लास में हुए थे। थोड़ा सा डिफरेंट तरीका दिख रहा होगा क्वेश्चन का, लेकिन है वो उसी पैटर्न पर, सेम डायरेक्शन में जो बेस क्वेश्चन बनते हैं उस पर है आपका। तो क्वेश्चन क्या है वो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। ए डॉग चेसेज रैबिट, द रैबिट इज 125 लीफ्स अहेड ऑफ इटसेल्फ, जंप्स फ्रॉम डॉग। द रैबिट कैन जंप 4 टाइम्स इन अ टाइम इन विच द डॉग कैन जंप 3 टाइम्स। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द रैबिट एंड डॉग इन वन जंप इज 1.75 मीटर एंड 2.75 मीटर। इन हाउ मेनी जंप द डॉग विल कैच द रैबिट। तो क्वेश्चन यहां पर यह है कि एक कुत्ता जो है खरगोश को देखता है और खरगोश 125 जंप में, खरगोश अपने 125 जंप में जितना डिस्टेंस चल सकता है उतना उस शिकारी कुत्ते से आगे था। उसके बाद बोला गया कि जितने समय में खरगोश 4 जंप करता है उतने ही समय में शिकारी कुत्ता या कुत्ता 3 जंप करता है। और बोला जा रहा है कि एक जंप में जो रैबिट डिस्टेंस करता है वो है 1.75 मीटर, और एक जंप में जो डिस्टेंस कवर करता है डॉग वो डिस्टेंस आपका एक जंप का है 2.75 मीटर। तो बताना यह है कि जो कुत्ता है वो रैबिट को जब देखा था उसके कितने जंप के बाद पकड़ लेता है, ये आपका क्वेश्चन है स्क्रीन पर। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है उस इंफॉर्मेशन को आप पढ़ चुके हैं, मैं फिगर के थ्रू बना रहा हूं और समझा रहा हूं। अगर आप ये देखो कि एक शिकारी कुत्ता ने एक खरगोश को देखा, रैबिट को एक शिकारी कुत्ते ने देखा, तो जब रैबिट को शिकारी कुत्ते ने देखा है उसी टाइम पर उस रैबिट ने भी, जब रैबिट को शिकारी कुत्ते ने देखा उसी टाइम पर रैबिट ने इस कुत्ते को देखा, रैबिट भागना स्टार्ट करता है और ये जो आपका डॉग है वो उसका पीछा करने स्टार्ट करता है। और इसमें कंडीशन दी गई है, सेम टाइम पर कंडीशन दी जा रही है कि सेम टाइम में। तो पहले तो आपको ये जो दिया गया है कि इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, तो क्वेश्चन में दिया गया है कि एक शिकारी कुत्ते ने खरगोश को देखा, तो खरगोश ने शिकारी कुत्ते को देखा और खरगोश को यह पता है कि वो 125 जंप में जितना डिस्टेंस वो चल सकता है उतना उस कुत्ते से आगे है। यानी इन रैबिट और डॉग के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो 125 जंप, और वो किसका 125 जंप, तो रैबिट के थ्रू 125 जंप में जितना डिस्टेंस कवर किया जा सकता है उतना डिस्टेंस है। अब यहां पर आपका रैबिट है जब उसने कुत्ते को देखा, और कुत्ता यहां पर है जब उसने रैबिट को देखा, और इनके बीच में डिस्टेंस क्या है, तो 125 जंप में रैबिट जितना डिस्टेंस कवर कर सकता है उतना है। तो अब इसके बाद यहां से रैबिट भागना प्रारंभ करता है और यहां से जो शिकारी कुत्ता है या कुत्ता है जो, वो उस रैबिट का पीछा करना स्टार्ट करता है। और ये आपका रैबिट यहां से भाग रहा है, कुत्ता यहां से उसको दौड़ा रहा है, और जब ये दोनों चलना प्रारंभ करते हैं, जिस समय पर दोनों साथ में चलना प्रारंभ करते हैं, ये भागना स्टार्ट करता है, ये पीछा करना स्टार्ट करता है, उस समय पर इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस था वो रैबिट द्वारा 125 जंप में जितना डिस्टेंस कवर किया जा सकता है उतना था। अब क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, सेम टाइम के बारे में बोला गया है कि जितने समय में डॉग 3 जंप करता है, जितने समय में डॉग 3 जंप करता है उतने समय में जो रैबिट है वो कितना जंप करता है, तो बोला गया है क्वेश्चन में 4 जंप करता है। जितने समय में ये कुत्ता 3 जंप करता है, 3 बार छलांग मारता है, उतने समय में जो रैबिट है वो 4 जंप करता है।
तो अब आप यहां देख लो कि ये तीन जंप करता है तो ये चार जंप करता है सेम टाइम में, जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो होगा, जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो होगा, ये हम लोग पढ़ चुके हैं सेम टाइम के केस में। तो आप बताइए कि यहां पर बोला गया है कि जो कुत्ते का एक जंप है, क्वेश्चन में डायरेक्टली बोला गया है कि कुत्ते का जो एक जंप है वो 2.75 मीटर है, कुत्ते का एक जंप 2.75 मीटर यानी 3 × 2.75 दैट विल बी, अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आ रहा है 8.25 मीटर। तो यहां पर आ गया कि 8.25 मीटर डॉग जो है वो तीन जंप में कवर करता है। तो तीन जंप ये करता है मतलब 8.25 मीटर जब ये चलता है तो उतने ही समय में जो रैबिट है वो चार जंप करता है, और एक जंप की वैल्यू इसमें दी गई है क्वेश्चन में कि एक जंप 1.75 मीटर के बराबर है रैबिट का एक जंप। अगर रैबिट का एक जंप देखते हैं 1.75 मीटर के बराबर है तो टोटल कितना हुआ यहां पर 7 मीटर। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि जो कुत्ते का स्पीड है वो 8.25 मीटर पर थ्री जंप, कुत्ता जो है वो तीन जंप में 8.25 मीटर चलता है, और रैबिट जो चलता है वो चार जंप में चलता कितना है, जब चार जंप चलता है तो वो 7 मीटर डिस्टेंस कवर कर चुका होता है। यानी जब ये 7 मीटर डिस्टेंस कवर करता है जो कि चार जंप में चल रहा है, जब रैबिट 7 मीटर कवर करता है, जितने समय में ये 7 मीटर कवर करता है उतने ही समय में जो कुत्ता है, जो शिकारी कुत्ता है वो 8.25 मीटर चलता है, लेकिन जंप कितना करता है तो ये बताया गया है 3 जंप करता है। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि जितने समय में डॉग तीन जंप करता है उतने समय में रैबिट चार जंप करता है। तो हम ये भी कह सकते हैं जितने समय में, अगर कंडीशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जितने समय में तीन जंप में 8.25 मीटर डिस्टेंस कवर करता है, जितने समय में डॉग 8.25 मीटर कवर करता है उतने ही समय में रैबिट 7 मीटर डिस्टेंस कवर करता है। तो हम कह सकते हैं कि जो रैबिट और खरगोश के बीच का डिस्टेंस है वो कितना है यहां पर, तो 125 × रैबिट का एक जंप है 1.75 मीटर, तो इतना मीटर डिस्टेंस है रैबिट के और उस कुत्ते के बीच में, रैबिट और उस कुत्ते के बीच में, डॉग एंड रैबिट के बीच में डिस्टेंस कितना है रैबिट द्वारा, जो 125 जंप में डिस्टेंस कवर किया जाएगा उतना, और रैबिट एक जंप में कवर करता है 1.75 मीटर, तो 125 जंप में कितना कवर करेगा, तो 125 × 1.75 यानी इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है 125 × 1.75 मीटर, इनके बीच में इतना डिस्टेंस है 125 × 1.75 मीटर। यानी हम ये कह सकते हैं कि यहां पर इससे रिलेट करके देखें तो हम यहां पर यह कह सकते हैं कि जो डॉग है या जो रैबिट है, जब रैबिट चलता है 7 मीटर तो डॉग चलता है 8.25 मीटर, यानी डॉग रैबिट से कितना अधिक चल रहा है, तो 1.25 मीटर एक्स्ट्रा चल लेता है। लेकिन डॉग के बारे में यहां पर क्वेश्चन में क्या बोला गया, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इन हाउ मेनी जंप, लास्ट लाइन है, इन हाउ मेनी जंप द डॉग विल कैच द रैबिट। अब बोला गया कि जो डॉग है वो रैबिट को कितने जंप में पकड़ेगा, तो आपको ये पता है कि जो डॉग है और रैबिट है इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, वो है 125 × 1.75 मीटर, और हमें ये भी पता है कि जो डॉग है और जो रैबिट है इनके बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है कितना, 1.25, कितने में कम हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 1.25 मीटर कम होगा थ्री जंप में, किसके थ्री जंप में, तो हम कह रहे हैं यहां पर जो पता चल रहा है कि हर थ्री जंप में डॉग रैबिट के 1.25 मीटर नजदीक पहुंच जाएगा। तो आप बताइए अगर इतना नजदीक पहुंचना है तो इस रेट से रैबिट को इतना डिस्टेंस, मतलब रैबिट को नहीं, अगर इस रेट से डॉग जो होता है, आपको पता चल गया यहां पर कि डॉग हर तीन जंप में 1.25 मीटर किसके पास पहुंच जाता है, रैबिट के पास पहुंचता है, रैबिट के पास पहुंचता है, यानी हर तीन जंप में डॉग रैबिट और रैबिट से अपने डिस्टेंस को 1.25 मीटर कम कर देता है। हम ये भी कह सकते हैं कि हर तीन जंप में जो कुत्ता है वो रैबिट से
1.25 मीटर और नजदीक पहुंच जाता है, रैबिट के 1.25 मीटर और नजदीक पहुंच जाता है। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस कम होगा वो इस डॉग के अकॉर्डिंग देखें तो 1.25 मीटर प्रति थ्री जंप। तो आप बताइए इतना डिस्टेंस कवर करना है और किस स्पीड से, 1.25 मीटर पर थ्री जंप से। तो इतना मीटर डिस्टेंस इस रेट से कवर होगा कुत्ते के द्वारा, तो हम लिख सकते हैं 1.25 बाई थ्री जंप, यानी पर थ्री जंप में वो 1.25 मीटर कम करता है। तो बताइए कितने जंप में ये इतना डिस्टेंस कवर करेगा, तो टोटल डिवाइडेड बाय जो रेट है उनके बीच का डिस्टेंस कम होने का। डिस्टेंस कम होने का मतलब ये है कि हर तीन जंप में ये 1.25 मीटर बीच का डिस्टेंस कम करता है, और जब ये रैबिट को पकड़ेगा तो इनके बीच में डिस्टेंस जीरो हो जाना चाहिए, यानी इनके बीच का जो डिस्टेंस है 125 into 1.75 मीटर वो 1.25 मीटर प्रति थ्री जंप के रेट से कम होगा। तो कितने जंप की कुत्ते की कितने जंप की आवश्यकता होगी उस खरगोश को पकड़ने तक, तो आप कह सकते हैं 125 into 1.75 डिवाइडेड बाय जो रेट है कुत्ते का बीच का डिस्टेंस कम करने का वो है 1.25 मीटर प्रति थ्री जंप। तो कितने जंप की आवश्यकता होगी, ये 1.25 मीटर प्रति थ्री जंप है तो मीटर कैंसिल। अब आप इसको डिवाइड करें तो इससे अगर आप देखें तो डिवाइड करें तो ये जाता है 100 इंटू 1.75 यानी हम लिख सकते हैं 175, और जो थ्री जंप है वो ऊपर जाएगा इंटू 3, यानी हम कह सकते हैं कुत्ते को कितना जंप करना पड़ेगा उस रैबिट को पकड़ने तक। तो यहां से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 525 जंप, यानी 525 जंप जब वो कुत्ता चलेगा तो वो शिकारी उसको रैबिट को पकड़ लेगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो अगर हम इसी तरीके का क्वेश्चन अगला भी देखें तो उस क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर आप ट्राई करें देखें, मैं पढ़ूंगा तब तक आप पढ़ करके ट्राई करेंगे, मैं हिंदी में इंग्लिश में दोनों में पढ़ दूंगा। तो क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर कि ए डॉग चेसेस रैबिट, द रैबिट इज 120 लिप्स अहेड ऑफ इटसेल्फ, जंप्स फ्रॉम डॉग, द रैबिट कैन जंप 5 टाइम्स इन अ टाइम इन विच द डॉग कैन जंप 4 टाइम्स, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द रैबिट एंड डॉग इन वन जंप इज 2 मीटर एंड 3 मीटर, इन हाउ मेनी जंप द डॉग विल कैच द रैबिट। एक डॉग खरगोश का पीछा करना प्रारंभ करता है और खरगोश भागना प्रारंभ करता है, तो जो खरगोश है वो अपने 125 जंप के डिस्टेंस के बराबर कुत्ते से आगे है। जितने समय में खरगोश 5 जंप करता है उतने ही समय में कुत्ता 4 जंप करता है। कुत्ते का एक जंप 3 मीटर है जबकि खरगोश का एक जंप 2 मीटर है। तो ज्ञात करना है कि जब कुत्ता खरगोश को पकड़ेगा तब तक कितने जंप वो किया है, ये आपका क्वेश्चन है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो समथिंग उसी तरीके का क्वेश्चन अगर ये आप देखें तो है। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो आपको ये बताया गया है कि एक खरगोश जो कि कितना आगे है कुत्ते से, तो आपको इस क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि एक खरगोश है जो कुत्ते से आगे है जितना वो 120 जंप में कवर कर सकता है। तो जो खरगोश है वो 120 जंप में जितना डिस्टेंस कवर कर सकता है, खरगोश 120 जंप में जितना डिस्टेंस कवर कर सकता है वो उतना ही कुत्ते से आगे है। तो जब ये यहां से भागना प्रारंभ करता है तो ये कुत्ता जो है खरगोश का पीछा करना स्टार्ट करता है। कुत्ते ने रैबिट को पकड़ा, इसका मतलब उनके बीच का डिस्टेंस हो गया जीरो। तो आपका ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से रिलेट है, थोड़ा ध्यान से समझें। तो बोला गया कि जितने समय में, सेम टाइम की फिर से बात आ गई, और सेम टाइम जहां पर होगा तो डिस्टेंस का जो रेशियो होगा स्पीड का वही रेशियो होगा। बोला गया जितने समय में जो डॉग है वो जंप करता है कितना, तो जितने समय में डॉग जो है जंप करता है 4, जितने समय में डॉग 4 जंप करता है उतने समय में रैबिट कितना जंप करता है, तो उतने समय में रैबिट जंप करता है 5। ये आपको इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई है, जितने समय में रैबिट जंप करता है 5, उतने समय में डॉग जंप करता है 4। और आपको बताया कि डॉग का एक जंप 3 मीटर है
ऑर्डर देख लेना आप। डॉग का एक जंप 3 मीटर है, यानी अगर चार जंप करेगा तो डॉग कितना चलेगा, 4 × 3 यानी हम कह सकते हैं कि 12 मीटर चलेगा, 12 मीटर चलेगा। जब आपका डॉग 12 मीटर चलेगा उतने ही समय में ये 5 जंप करता है, और एक जंप जो है रैबिट का 2 मीटर है, तो उतने ही समय में जो रैबिट है वो 10 मीटर चलेगा। तो अब यहां पर देखो कि आपको ये पता चल गया कि जितने समय में ये 4 जंप करेगा उतने समय में रैबिट 5 जंप करेगा, तो जितने समय में डॉग 12 मीटर चलेगा उतने समय में रैबिट 10 मीटर चलेगा, यानी जो इस कुत्ते की स्पीड है वो 12 मीटर प्रति 4 जंप है, प्रति 4 जंप है, कुत्ते की गति 12 मीटर पर 4 जंप, और जो रैबिट है उसकी स्पीड है 10 मीटर पर 5 जंप। ये सिंपल सा लॉजिक है कि जो कुत्ते की स्पीड है वो है 12 मीटर पर प्रति 4 जंप, और जो रैबिट की स्पीड है वो 10 मीटर प्रति 5 जंप है। तो यानी मैं कह सकता हूं जितने समय में रैबिट चलता है 10 मीटर, अब वो कितने जंप में कवर कर रहा है तो वो अलग बात है, जितने समय में ये 10 मीटर चलता है जो कि दिया गया 5 जंप में कवर कर रहा है, तो जितने समय में ये 10 मीटर चलता है उतने समय में डॉग कितना चलता है, वो 12 मीटर। वो क्वेश्चन में दिया गया कि 12 मीटर उतना, जितने समय में रैबिट 10 मीटर चलता है उतने समय में डॉग 12 मीटर चलता है, लेकिन जब ये 5 जंप करता है तो ये जंप करता है 4। तो जो डॉग की स्पीड है वो डॉग की स्पीड है 12 मीटर प्रति 4 जंप। तो हम कह सकते हैं डॉग की स्पीड क्या है, 12 मीटर पर 4 जंप, रैबिट की स्पीड क्या है, 10 मीटर पर 5 जंप। आप बताइए आपको निकालना है यहां पर क्या, तो निकालना यहां पर है कि डॉग ने कितना जंप किया, कब तक, जब तक उसने रैबिट को पकड़ा है। तो आप यहां से देख सकते हैं कि जो कुत्ते के अकॉर्डिंग देखें, जो डॉग है ना उस डॉग के अकॉर्डिंग देखें तो वो 2 मीटर हर 4 जंप करता है, जब डॉग जो है 4 जंप करता है तो वो 2 मीटर डिस्टेंस अपने बीच का कम कर देता है। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कम होगा, लेकिन कम किस रेट से होगा, 2 मीटर प्रति 4 जंप के रेट से इसके बीच का डिस्टेंस कम होना स्टार्ट होगा। तो इसके बीच में डिस्टेंस था कितना, ये भी इंपॉर्टेंट है कि इनके बीच में डिस्टेंस कितना था। तो 120 जंप किसका, रैबिट का, और रैबिट का एक जंप दिया गया था 2, यानी इनके बीच का जो डिस्टेंस है टोटल वो टोटल डिस्टेंस है 240 मीटर। इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो 240 मीटर है, और इनके बीच का डिस्टेंस हर 4 जंप, कुत्ते का हर 4 जंप इनके बीच का डिस्टेंस 2 मीटर कम करेगा। तो बताइए इस रेट से इतना मीटर डिस्टेंस कम करने के लिए कितना टाइम लगेगा, टाइम मतलब जंप के अकॉर्डिंग देखें तो 2 मीटर कम करने के लिए 4 जंप करना पड़ता, तो इतना मीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए, इतना मीटर डिस्टेंस कम करने के लिए, कम क्यों, क्योंकि इनके बीच का जो डिस्टेंस है 240 मीटर वो यहां पर जब पकड़ेगा कुत्ता खरगोश को तो इनके बीच का डिस्टेंस 0 होगा, यानी इस कुत्ते ने ये जो बीच का डिस्टेंस है वो किस स्पीड से 2 मीटर प्रति 4 जंप के स्पीड से कम कर रहा है, तो 240 मीटर कम करना है, और हमें पता है कि ये रेट क्या है इसका कम करने का, 2 मीटर प्रति 4 जंप। तो बताइए कितना आपका जंप करना पड़ेगा, तो हम लिख सकते हैं 2 मीटर इसमें कितनी बार आएगा, 120 बार डायरेक्टली दिख रहा है, लेकिन फिर भी इस तरीके से करेंगे कि रेट क्या है, डिस्टेंस इनके बीच का इतना कम करना है, और किस रेट से 2 मीटर प्रति 4 जंप से, तो कितना जंप करना पड़ेगा, तो 2 मीटर प्रति 4 जंप हमने लिख दिया। अब यहां पर आप देखो तो मीटर कैंसिल, 2 से डिवाइड करें तो 120, यानी हम लिख सकते हैं यहां पर 120 × 4, यानी टोटल कितना जंप करना पड़ा डॉग को, तो हम कह सकते हैं 480 जंप डॉग जब करेगा, जब डॉग जो होगा 480 जंप करेगा तो उसके बीच का डिस्टेंस वो 0 हो चुका होगा, मतलब रैबिट है वो डॉग के द्वारा पकड़ा जा चुका होगा। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन इसी पैटर्न पर है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से दिखेगा आपको। तो क्वेश्चन क्या है आपका स्क्रीन पर दिख रहा है, क्वेश्चन ये है, थोड़ी बड़ी कहानी दिख रही होगी, ए डॉग सीज अ कैट, इट एस्टिमेट्स दैट द कैट इज 25 लीफ्स अवे, द कैट सीज द डॉग एंड स्टार्ट रनिंग विद द डॉग इन हॉट परस्यूट, इफ इन एवरी मिनट द डॉग मेक्स 5 लीफ्स एंड कैट मेक्स 6 लीफ्स एंड 1 लीफ ऑफ द डॉग इज इक्वल टू 2 लीफ्स ऑफ द कैट, फाइंड द टाइम इन विच द कैट इज कॉट बाई द डॉग
एज्यूम एन ओपन और एज्यूम एज क्या लिखा है, एज्यूम एन ओपन फील्ड विथ नो ट्रे। मतलब ये बोला जा रहा है कि एक कुत्ते ने बिल्ली को देखा और अनुमान लगाया कि बिल्ली और अनुमान लगाया कि वो बिल्ली जो है उस कुत्ते से कितना आगे है, जितना वो कुत्ता 25 जंप में कवर कर सकता है उतना वो बिल्ली कुत्ते से आगे थी। उसी टाइम पर वो बिल्ली ने कुत्ते को देखा और भागना प्रारंभ किया। बताया गया है कि हर एक मिनट में, प्रत्येक मिनट में कुत्ता 5 जंप करता है जबकि बिल्ली 6 जंप करती है। यह भी बोला गया है कि कुत्ते का 1 जंप बिल्ली के 2 जंप के बराबर है। तो ज्ञात करना यह है कि कुत्ते ने बिल्ली को कितने समय के बाद पकड़ा, कितने समय के बाद उस कुत्ते ने बिल्ली को पकड़ा है, यह आपका क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में देखा जाए तो यह क्वेश्चन भी थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से दिख रहा होगा, बहुत हल्का सा, बस वहां पर टाइम की बात कर दी गई है, यहां पर जंप की बात की गई थी। तो इस क्वेश्चन को देखें थोड़ा सा ध्यान से, तो क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि एक कुत्ते ने बिल्ली को देखा, एक कुत्ते ने बिल्ली को देखा और यह भी बताया गया कि कुत्ते ने जब देखा तो कुत्ते को पता है, उसने एस्टिमेट लगाया है कि उनके बीच में डिस्टेंस, बिल्ली और कुत्ते के बीच का डिस्टेंस कितना था। तो 25 जंप में जो डॉग डिस्टेंस कवर कर सकता है उनके बीच का डिस्टेंस उतना ही था। डॉग 25 जंप में, अपने 25 जंप में जितना डिस्टेंस कवर कर सकता है वही था उस बिल्ली और कुत्ते के बीच का दूरी। तो अब आपको यह पता है यहां पर क्वेश्चन में कि एक मिनट में जब डॉग डिस्टेंस कवर करता है, डॉग जंप करता है और जो कैट जंप करती है, बोला गया कि एक मिनट में जो डॉग जंप करता है 5, एक मिनट में डॉग 5 जंप करता है और कैट जंप करती है 6, एक मिनट में डॉग जंप करता है 5 और कैट जंप करती है 6। आप बताइए जो एक मिनट में डॉग ने डिस्टेंस कवर किया वो कितना है। तो पहले तो आप ये देखो कि बोला गया है कि एक जो डॉग का जंप है वो बराबर है 2 जंप कैट के, कैट का 2 जंप डॉग के 1 जंप के बराबर है। तो इनके जंप में देखें कि एक जंप डॉग का और एक जंप कैट का जो डिस्टेंस होगा कवर वो किस रेशियो में होगा। तो यहां से आ रहा है आपका कि 1 जंप ऑफ डॉग इज इक्वल टू 2 जंप ऑफ कैट, दैट मींस डॉग एंड कैट का एक जंप का रेशियो 2 यूनिट और क्या आ गया, 2 यूनिट और 1 यूनिट आ गया। तो पहला पॉइंट ये कि इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 25 जंप में जो डॉग डिस्टेंस कवर कर सकता है उतना है। तो अब देख सकते हैं कि डॉग का एक जंप में जो डिस्टेंस कवर करने का रेट है वो 2 यूनिट है। डॉग एक जंप में 2 यूनिट करता है कवर, यानी कि डॉग और कैट के बीच में डिस्टेंस कितना था, तो 25 × 2 यानी 50 यूनिट इनके बीच का डिस्टेंस था। यूनिट मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि मेरे को यहां पर इसकी कोई इकाई नहीं दी गई है कि मीटर या किलोमीटर या मिलीमीटर ऐसा कुछ। तो बस मैंने कहा कि 25 × 2 दैट विल बी 50 यूनिट डॉग और कैट के बीच में डिस्टेंस था जब कैट भागना प्रारंभ करती है डॉग को देख करके और डॉग कैट को उसी टाइम पर पिचकना स्टार्ट करता है। तो एक मिनट में डॉग जो है 5 जंप करता है और डॉग का एक जंप 2 यूनिट है। तो 2 यूनिट अगर डॉग का एक जंप है तो 2 × 5 मतलब हम कह सकते हैं 10 यूनिट पर मिनट, एक मिनट की बात की गई है तो 10 यूनिट पर मिनट इस डॉग की स्पीड है। कैट की स्पीड क्या होगी, तो कैट की स्पीड होगी क्योंकि एक जंप में कैट चलती है 1 यूनिट, तो यानी 6 जंप में कितना चलेगी, तो 6 × 1 यानी हम कह सकते हैं कि जो कैट की स्पीड है 6 यूनिट पर मिनट है। तो आप यहां से देख सकते हैं कि जो कैट यहां से भाग रही है उसका स्पीड है 6 यूनिट, जो कैट का स्पीड है वो है 6 यूनिट पर मिनट और जो डॉग का स्पीड है वो आपको पता चल रहा है यहां से कि 10 यूनिट, अब 10 यूनिट पर मिनट दे दिया गया है क्योंकि इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग यही निकल के आया। तो डॉग का जो स्पीड है पीछा करने का वो है 10 यूनिट प्रति मिनट और कैट का यहां से भागने का जो स्पीड है वो है 6 यूनिट पर मिनट, यानी डॉग और कैट के बीच का जो डिस्टेंस कम होगा वो रिलेटिव स्पीड से कम होगा सेम डायरेक्शन के केस में। तो हर एक मिनट में ये 10 यूनिट चलेगा, कैट चलेगी 4 यूनिट यानी 6 यूनिट,
यानी हर एक मिनट में उनके बीच का डिस्टेंस कितना कम होगा, तो मैं कह सकता हूं 4 यूनिट। तो मैं कह सकता हूं 4 यूनिट पर मिनट इनके बीच का डिस्टेंस कम करना होगा। तो आप बताइए कितना समय लगेगा इतना यूनिट कम करने के लिए, क्योंकि जब ये चले थे तो इनके बीच में डिस्टेंस था 25 × 2 यानी 50 यूनिट, और जब ये डॉग कैट को पकड़ेगा उस समय इनके बीच का डिस्टेंस 0 होगा, यानी हर मिनट में 4 यूनिट जो है डिस्टेंस कम होता। तो इतना डिस्टेंस कम करने के लिए कितना टाइम लगा, तो हम कह सकते हैं टोटल कितना डिस्टेंस है 25 × 2 यानी 50 यूनिट इनके बीच का डिस्टेंस है। और क्या रेट से इनके बीच का डिस्टेंस होगा कम, तो 4 यूनिट प्रति मिनट के दर से होगा। तो 4 यूनिट प्रति मिनट के दर से अगर कम होगा, तो आपका यहाँ यूनिट से यूनिट कैंसिल, 4 से डिवाइड करेंगे 12.5, और नीचे आपका बचा क्या था इसका डिनोमिनेटर, का डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि जो कैट है वो डॉग के द्वारा, या डॉग जो है वो कैट को जब दौड़ाना स्टार्ट किया था, प्रारंभ किया था देखने के बाद, तो उसके 12.5 मिनट बाद वो कैट डॉग के द्वारा पकड़ ली जाएगी। ये आपका ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर मूव करें तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ ऐसे ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये है, कुछ वैसे ही क्वेश्चन है, समथिंग इंफॉर्मेशन जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो चेंज है। अगर ट्राई करें आप, जब तक मैं पढ़ रहा हूं तो आसान ही है पिछले क्वेश्चन से रिलेट करके। तो ए डॉग सीज ए कैट, इट एस्टिमेट दैट द कैट इज 48 लिप्स अवे, द कैट सीज द डॉग एंड स्टार्ट रनिंग विद द डॉग इन हॉट परस्यूट इफ इन एवरी 3 मिनट, यहां पर एवरी 3 मिनट द डॉग मेक्स 8 लिप्स एंड द कैट मेक्स 9 लिप्स एंड 2 लिप्स ऑफ द डॉग इज इक्वल टू 3 लिप्स ऑफ द कैट, फाइंड द टाइम इन विच द कैट इज कॉट बाई द डॉग। और लिखा गया एज्यूम एन ओपन फील्ड विथ नो ट्रीज, ये जो लास्ट लाइन लिखा है एज्यूम एन ओपन फील्ड विथ नो ट्रीज, इसका मतलब यह है कि खुला मैदान है, वहां पर पेड़ नहीं है कि रास्ता इधर उधर घूम करके जाएंगे, वो सीधा भागेंगे, ये पॉइंट है। तो अब हम क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन के फाइनल सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, क्योंकि उसी तरीका का क्वेश्चन है, तो मेरे को हिंदी में इसको फिर से पूरा डिटेल से पढ़ने की जरूरत नहीं लग रही है। तो अब ये क्वेश्चन में देख सकते हैं, आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि जब डॉग ने कैट को देखा था, जब डॉग ने कैट को देखा था तो उनके बीच में जो डिस्टेंस था, जब डॉग ने कैट को देखा था तो उनके बीच में जो डिस्टेंस था वो डॉग जो है 48 डॉग जो है वो 48 जंप में जितना डिस्टेंस कवर कर सकता था उतना डिस्टेंस है डॉग और कैट के बीच में। तो अब आप यहां देख सकते हैं कि आपको जो दिया गया है सेम टाइम में, आगे देखिए आपका क्वेश्चन में दिया गया है सेम टाइम में दिया गया है सेम टाइम, लेकिन वो एग्जैक्ट वैल्यू दे दी गई है। बोला गया है 3 मिनट में डॉग जो है जंप करता है, 3 मिनट में जब डॉग जंप करता है 8, जब 3 मिनट में डॉग जंप करता है 8, तो कैट उस 3 मिनट में कितना जंप करती है, तो क्वेश्चन में आपको दिया गया है 9 जंप। बोला यह जा रहा है कि डॉग 3 मिनट में 8 जंप करता है, तो कैट 3 मिनट में 9 जंप करती है। आप यहां से देखिए कि क्वेश्चन की अगली इंफॉर्मेशन क्या है, बोला गया एंड 2 लिप्स ऑफ द डॉग इज इक्वल टू 3 लिप्स ऑफ द कैट, यानी बोला गया कि डॉग जो है 2 जंप में जितना डिस्टेंस कवर करता है वो कैट 3 जंप में उतना ही कवर कर पाती है। तो डॉग 2 जंप में जितना कवर करता है, कैट 3 जंप में उतना कवर करती है, तो इक्वल का साइन लगाया, तो यहां से डॉग का 1 जंप और कैट का 1 जंप का रेशियो आ गया वो 3:2, यानी मैं कह सकता हूं कि डॉग 1 जंप में 3 यूनिट चलता है, तो कैट जो होगी उसी रेशियो के अकॉर्डिंग 1 जंप में कितना चलेगी, 2 यूनिट। तो अगर डॉग एक जंप में 3 यूनिट चलता है तो 8 जंप में कितना चलेगा, तो मैं यहां लिख सकता हूं 24 यूनिट। डॉग जो होगा 3 जंप में कितना चलेगा, अगर डॉग का 1 जंप 3 यूनिट का है तो 8 जंप चला है, मतलब 24 यूनिट चला। कैट का 1 जंप 2 यूनिट है, तो यहां पर 2 यूनिट अगर 1 जंप है तो 9 जंप का मतलब कितना यूनिट चली है वो कैट, तो हम लिख सकते हैं कितना चली है 18 यूनिट। तो आप बताइए अगर ये 3 मिनट में 24 यूनिट चलता है और ये 3 मिनट में 18 यूनिट चलता है, तो मैं कह सकता हूं कि जो डॉग है वो 3 मिनट में 24 यूनिट चल रहा है,
तो एक मिनट में कितना चलेगा, तो यहां से आएगा 8 यूनिट। तो हम कह सकते हैं डॉग की स्पीड है 8 यूनिट पर मिनट, और जो कैट की स्पीड होगी 3 मिनट में अगर 18 यूनिट चले, तो मैं यहां से कैट की स्पीड निकाल रहा हूं, यह आ जाएगी 6 यूनिट। कैट का स्पीड आ गया 6 यूनिट पर मिनट। यानी कैट जो है वो यहां से जब भागना प्रारंभ करती है तो वो भागती है किस स्पीड से, 6 यूनिट पर मिनट। और उसी टाइम पर जब ये भागना स्टार्ट करती है तो ये जो डॉग है वो उसका पीछा स्टार्ट करता है करना 8 यूनिट, किस स्पीड से कर रहा है, तो 8 यूनिट पर मिनट। आप बताइए इनके बीच का डिस्टेंस कितना था। तो डॉग का एक जंप अगर 3 यूनिट का है तो इनके बीच का डिस्टेंस था 48 इंटू 3 यूनिट, यानी 48 इंटू 3 आपका हो गया 144 यूनिट। तो बताइए कि कितने समय के बाद, अगर मुझे टाइम निकालना है यहां पर कि कितने समय बाद डॉग कैट को पकड़ लेगा, तो डॉग कैट को पकड़ा यानी इनके बीच में डिस्टेंस जीरो हो जाना चाहिए। और जब ये डॉग जो है कैट को पकड़ने के लिए दौड़ना स्टार्ट किया था तो इनके बीच में डिस्टेंस कितना था, तो आपका आ गया था इस कंडीशन के अकॉर्डिंग 48 इंटू डॉग का एक जंप 3 यूनिट, यानी 48 इंटू 3 यूनिट। तो कितना डिस्टेंस इनके बीच में, 48 इंटू 3 यूनिट इनके बीच का डिस्टेंस था। और इनके बीच का जो डिस्टेंस कम होगा वो कितना कम होगा, तो एक मिनट में ये 8 यूनिट चलता है, ये एक मिनट में 6 यूनिट चलता है। तो जो डॉग है वो कैट से एक मिनट में कितना अधिक चल रहा है, तो डॉग कैट से एक मिनट में अधिक चल रहा है, वो चल रहा है 2 यूनिट। डॉग कैट से 2 यूनिट पर मिनट के रेट से अधिक चल रहा है। मैं कह सकता हूं सिंपल सा लॉजिक, डॉग कैट के कंपेयर में एक मिनट में दो यूनिट ज्यादा चलता है। तो इनके बीच का डिस्टेंस 2 यूनिट प्रति मिनट के दर से कम होगा, यानी स्पीड है ये 2 यूनिट प्रति मिनट की स्पीड से इनके बीच का डिस्टेंस कम होगा। इतना डिस्टेंस को जीरो बनाने के लिए इतना डॉग को इस रिलेटिव स्पीड से कवर करना पड़ेगा। तो डिस्टेंस हो गया 48 इंटू 3 यूनिट, और किस रिलेटिव स्पीड से इनके बीच का डिस्टेंस कम होगा, 2 यूनिट प्रति मिनट के दर से। तो 2 यूनिट प्रति मिनट के दर से इनके बीच का डिस्टेंस कम होगा, यूनिट कैंसिल, 2 से डिवाइड किया 24 इंटू 3 यानी 72, ये मिनट आपका डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है तो ऊपर जाएगा। तो मैं कह सकता हूं यहां पर कि जो डॉग है वो कैट को 72 मिनट के बाद पकड़ लेगा, यानी जब डॉग ने दौड़ाना स्टार्ट किया था कैट को, उसके 72 मिनट बाद वो डॉग उस कैट को पकड़ लेगा। तो आज की क्लास के लिए बस इस क्वेश्चन को देखें, तो इस क्वेश्चन पर बेस जो भी आपका था पिछली क्लास से रिलेट, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। अगली क्लास में फिर से अगले पार्ट पे चलेंगे, कुछ और अलग तरीके के क्वेश्चन करेंगे। बस तो आज के लिए इतना ही करते हैं, नमस्कार।